أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हैदराबाद शहर जो 2000 साल पहले भी नेहरून कोर्ट के नाम से मौजूद था, दरियाए सिंध के किनारे आबाद अपनी ठंडी हवाओं, महसूर कुन शामों और तारीखी हैसियत के एतबार से अपना एक इम्तियाजी मुकाम रखता है, जो कि सैकड़ों साल तक सिंध का दारुल खिलाफा रहा। हैदराबाद माजी के हुक्मरानों की गफलत के बायस शहरी सहूलियात से ही नहीं बुनियादी जरूरियात से भी महरूम कर दिया गया। जबूहाल शिकस्ता सड़कें, आलूदा पानी, नाकिस सेवरेज, तफरीही सहूलियात का फुकदान और तिब्बी सहूलियात से महरूमी ने हैदराबाद के चेहरे को मस्क कर दिया था, जबकि महरूमी और इस्तेहसाल का शिकार हैदराबाद के शहरी मुश्किल से दो चार थे, क्योंकि 60 सालों में इस शहर पर सही तौर पर तवज्जो नहीं दी गई। इस तवील मुद्दत में हैदराबाद के लिए किसी भी किस्म की कोई भी मंसूबाबंदी नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर बद से बदतर होने लगा। 2005 में बल्दियाती निजाम के तहत जब दोबारा इंतखाबात हुए तो हकपरस्त क्यादत ने इंतखाबात में फकीदुल मिसाल कामयाबी हासिल करने के बाद शहर में मौसम मंसूबाबंदी के तहत तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। बानी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और तहरीक के बख्शे गए एतमाद की बुनियाद पर कंवर नवेद जमील ने बहैसियत जिला नाजिम अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही सबसे पहले एक जामा सर्वे के जरिए हैदराबाद के मसाइल और इनकी वजूहात और बाद इनके सदबाब के लिए अपनी तरजीहात का तयन किया और एक जामा मनसूबाबंदी के तहत शहर में तामीर तरक्की के एक ऐसे सफर का आगाज किया जिसकी मंजिल तमाम तर सहूलियात से मुजैन जदीद हैदराबाद है। हकपरस्त क्यादत ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और हैदराबाद मास्टर प्लान तैयार किया, जिसकी तकमील के बाद हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह जदीद मालूमाती निजाम से मुंसलिक होगा। हकपरस्त क़यादत ने हैदराबाद को जदीद शहरी सहूलियात फराहम करने के लिए फ्लाई ओवर्स, अंडर पासिस, फिल्टर प्लांट्स,
सेवरेज पंपिंग स्टेशन, अंग्रेजी तालीम और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी समेत दीगर तरक्याती कामों का आगाज किया। मौजूदा हुकूमत ने इस शहर की महरूमी खत्म करने के लिए एक जाम मनसूबा बंदी के तहत तरक्याती कामों का जाल बिछाया, जिसकी तखमीनी लागत 15 अरब 13 करोड़ 7 लाख रुपए से 1525 से जायद स्कीमें शुरू की गयी। हैदराबाद में तेजी से बढ़ते हुए ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए 5 अरब 86 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 400 से जायद स्कीमें शुरू की गयी, जिनमें 8 फ्लाईओवर, 5 पुलों की तामीर जिसमें लतीफाबाद नंबर 7 पर वाकई फ्लाईओवर, ओल्ड नेशनल हाईवे पर फुलेली पनियारी और लाइन चैनल किनाल पर ब्रिजेस के काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि लतीफ चौक, शहबाज चौक, घांगरामोली, गरीब नवाज फ्लाईओवर समेत मुरानी बस्ती सब्जी मंडी पर ब्रिजेस की तामीर माह अप्रैल में मुकम्मल हो जाएगी, जबकि अंडरपास समेत शहर में एस्फाल्ट कंक्रीट सड़कों का जाल, नई सड़कों की तामीर और कुशादगी और गलियों की पुख्तगी का काम किया गया है। हकपरस्त क़यादत ने शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी आसान आमदोरफ्त और खेत से मंडी तक रसाई के लिए पुख्ता सड़कों का जाल बिछा दिया है। शहर को साफ रखने के लिए हैदराबाद के चारों तालका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वासा समेत कंटोनमेंट बोर्ड को 55 गार्बेज लिफ्टिंग ट्रक्स और सीज पूल और मैकेनिकल स्वीपर्स फराहम किए गए। इसके अलावा दीगर मशीनरी समेत पायदार सड़कों की तामीर के लिए एस्फाल्ट प्लांट की तामीर पर 37 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। साफ पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। हकपरस्त क़यादत ने पीने के साफ पानी की फराहमी को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया। फराहमी आपके निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 3 अरब 64 करोड़ 12 लाख से जायद की 123 स्कीमें शुरू की गयी, जिसके तहत नए फिल्टर प्लांट की तामीर, मौजूदा फिल्टर प्लांट की तौसी, नए आबी जखायर की तामीर और तौसी, हारानाका और प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट बिलतरतीब 40-40 करोड़ की लागत से मुकम्मल होकर शहरियों को साफ फिल्टर पानी की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि जामशोर और लतीफाबाद नंबर 4 में नए फिल्टर प्लांट की तामीर का काम तकमील के आखिरी मराहल में है। मौजूदा हकपरस्त क़यादत ने पोसीदा लाइनों की जगह नई लाइनों की तंसीब और तमाम पंपिंग स्टेशनों को मुतबादिल जनरेटर फराहम किए, ताकि बिजली के तातुल के दौरान भी फराहमी आप का निजाम बिला तातुल जारी रह सके। सेवरेज के नाकिस और फरसूदा निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जिला हुकूमत हैदराबाद ने 3 अरब 30 करोड़ 8 लाख रुपए से जायद के तरक्याती मनसूबों का आगाज किया, जिसके तहत 4 नए पंपिंग स्टेशनों का क्याम, 22 पंपिंग स्टेशनों की गुंजाइश में 3 गुना इजाफा किया गया। जेर जमीन बड़ी लाइनों की तंसीब और नकासी आप का निजाम खसूसन मौसमों बरसात के दौरान जारी रखने के लिए तमाम पंपिंग स्टेशनों को जनरेटर की फराहमी, मौसमी तखयुरात के पेश नजर आइंदा 30 साल तक की मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए एक मौसम निजाम वाजा कर दिया गया। दरिया सिंध और मलिका किनारों को सेवरेज की आलूदगी से महफूज रखने के लिए पहली मरतबा 4 बड़े सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर, जिसमें 40 करोड़ रुपए की मालियत से नादरन सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तकमीली मराहल तय कर चुका है, जबकि 2 साल की कलील मुद्दत में 50 साल की नकासी आप की गुंजाइश में 5 गुना इजाफा मौजूदा हकपरस्त क़यादत का कारनामा है। हकपरस्त क़यादत ने 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से गरीब और मुतवस्त तबके के लोगों के लिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों की तरह इलाज मालजे की जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए मिसाली इकदाम किए। हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा बेक वक्त 8 नए अस्पतालों का क्याम, नागहानी आफात और ट्रैफिक हादसा के जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद ट्रामा सेंटर का क्याम, जिसमें मरीजों को कम से कम वक्त में मुंतकली के लिए हेलीपैड की सहूलियत भी फराहम की जा रही है। हैदराबाद के 64 अस्पताल को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए कार्डिक यूनिट, किडनी सेंटर, सर्जिकल वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, डायबिटीज सेंटर के अलावा बच्चों के तमाम अमराज के लिए एक अलहदा अस्पताल का क्याम और आंखों के ऑपरेशन और दीगर अमराज के लिए एक मुकम्मल अस्पताल का क्याम और अस्पतालों को वाफर मकदार में अख्तियार, जदीद तिब्बी आलात और दीगर सहूलियात की फराहमी और मेयारी अशिया को दोनों की दस्तयाबी यकीन बनाने के लिए फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी का क्याम भी शामिल है। हकपरस्त क़यादत ने फरोग तालीम के लिए 1 अरब 16 करोड़ 93 लाख रुपए की खतीर रकम मुख्तस करके हैदराबाद में 100 नए स्कूलों का क्याम, 100 स्कूलों में इजाफी कमरों की तामीर, 310 स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और मुख्तलिफ स्कूलों में साइंस लेबॉरेटरीज, कंप्यूटर लैब की तामीर के अलावा पाकिस्तान में पहली मरतबा 310 उर्दू सिंधी मीडियम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया, ताकि गरीब वालदेन के बच्चे भी अपने तरक्शा मुस्तकबिल के लिए वही सहूलियत मयसर हों जो उमरा के बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में हासिल है, जबकि हैदराबाद में एक अलग लाइब्रेरी का क्याम भी शामिल है। जागी है शहर की किस्मत, सदा रहे आबाद।
खुशगवार माहौल और तफरीह हर शहरी का बुनियादी हक है। हकपरस क्यादत ने इस सिलसिले में 28 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में 32 पार्क और प्लेग्राउंड तामीर किए, जिनमें से बेशतर पार्क अपने तकमीली मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि दीगर पार्कों समेत तारीखी और सकाफती मरकज रानी बाग की तामीर और तजीन का काम किया गया है। हैदराबाद और रंजौरी सिंध के लाखों अफराद को सेहतमंद तफरी फराहम करने वाले इस अजीम मनसूबे पर 15 करोड़ रुपए लागत आई है। ठंडी हवाओं के शहर हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों में जिला हुकूमत हैदराबाद की जानिब से बनाए गए पार्क हकपरस्त क़यादत का बेहतरीन तोहफा है। चंद साल कबल हैदराबाद में शहरियों के लिए बामुश्किल कोई पार्क मौजूद था, ताहम हकपरस्त क़यादत की जानिब से बेशतर पार्क अपने तकमीली मराहिल तय कर चुके हैं, जिसमें दरिया सिंध के किनारे बनाया गया हुसैनाबाद पार्क भी एक बेहतरीन तोहफा है, जहां खूबसूरत पानी का तालाब और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। पार्क से दरिया सिंध का दिलकश नजारा यहां आने वाली फैमिलीज को महसूस करने के साथ साथ इस शहर की तारीखी अहमियत को भी उजागर करता है। इसके अलावा चौराहों, मेडिन और ग्रीन बेल्ट की खूबसूरत फूलों पौधों से तज़ीन और आराइश की गई है। हकपरस्त क़यादत ने भरपूर अज़्म अमल बिला तफरीक खिदमत के जज्बे के साथ हैदराबाद को तामीर और तरक्की की नई राहों पर गामजन कर दिया है। हैदराबाद के नए तरक्याती संग मील, जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, हकपरस्त क़यादत के वादों की ठोस तकमील बनकर सामने आए। शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए कम्प्लेन सेंटर 1334 का क्याम अमल में लाया गया, ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के खिलाफ लोगों की शिकायत का फौरी तदारुक हो सके। हकपरस्त क़यादत ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे, हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर अमल पैरा होकर जिस तरह तरक्याती कामों का आगाज किया, 2005 में तलू होने वाला सूरज आज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसकी किरणें बिला इम्तियाज रंगो नस्ल यकसा तौर पर सबको मुनव्वर कर रही हैं। मौजूदा जिला हुकूमत ने महज 3 साल की कलील मुद्दत में एक मौसर मंसूबा बंदी के तहत इन अहदाफ को हासिल किया, जो माजी की हुकूमतें नसब सदी में भी हासिल न कर सकी। ये तरक्याती काम अभी खत्म नहीं हुए, वक्त के साथ साथ हैदराबाद के लिए नए प्रोजेक्ट मारिज वजूद में आएंगे और इंशाल्लाह हैदराबाद मुसलसल निखरता चला जाएगा।